हेलो एरा फैमिली, कैसे हो? तो यार मतलब आपके बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे। अगर जिसका क्वेश्चन नहीं भी आ रहा था उसके मन में ये तो यार चल ही रहा होगा, यार डोरेमोन की मूवी के डब के अभी तक अपडेट क्यों नहीं आई है? क्या वो डब हो गई है? क्या वो डब होने मतलब हो रही है? ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन यार उस पर एक फाइनल थोड़ी सी हिंट आया है। और उससे पहले एक डिस्क्लेमर छोटा था, जो भी इस वीडियो में बताऊंगा वो मेरा प्रेडिक्शन और ओपिनियन होने वाला है, कुछ भी मैं ये कन्फर्म नहीं करता हूँ। तो यार ये वीडियो बहुत ही अलग और इंटरेस्टिंग होगी, तो यार एंड तक देख लेना। बहुत से प्रूफ्स लाया हूँ और छोटे छोटे हिंट्स भी आपके लिए, तो आप खुद ब खुद ही समझ जाओगे। तो चलो यार आज की कमाल की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यार जैसे कि आपको पता ही है, जितने भी वॉइस एक्टर थे डोरेमोन के वो तो आखिरकार चेंज हो गए थे, लेकिन हमारी शिज़ुका की जो ऑफिशियल वॉइस थी पारुल भटनागर मैम, वो अभी तक है और वो रहेंगी भी, और वो भी यूट्यूब पे भी हैं और उन्हें सब जानते भी हैं। तो यार वो काफ़ी ज़्यादा लीक्स वगैरह देती हैं कि अब डोरेमोन की मूवी डब हो गई है, अब मूवी डब कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बताया था कि सबसे पहले न्यू एपिसोड आएंगे मूवी से पहले, तो अब देखते हैं। वो तो जब आएंगे आने ही होंगे, लेकिन यार इससे पहले अगर जो हमारे एक्टिव मतलब यार जो एक्टिव देखते हैं हमारी वीडियोज़, एक्टिव यार क्या बोलूँ, एक्टिव व्यूअर्स, हाँ तो यार जो भी है उन्हें पता होगा, मैंने एक बार पहले वीडियो में बताया था कि अभी पारुल भटनागर मैम अपने इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कहीं भी एक्टिव नहीं है, यानी कि वहाँ वो कुछ फोटोज़ पोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं कर रही है। तो इसका मतलब क्या वो किसी काम में बिजी हो सकती है? तो यार फाइनली अब मैम ने स्टोरीज़ वगैरह लगाई है, हालांकि वो डोरेमोन की मूवी से तो नहीं रिलेटेड है, लेकिन यार उन्होंने एक नॉर्मल अपना मतलब किसी पेज वेज का प्रमोशन किया है कि ये पेज आप फॉलो कर सकते हो। और उन्होंने ये भी बताया कि मैं इतने दिनों से मतलब ऑफलाइन थी या एक्टिव नहीं थी, तो ऑब्वियस यार अगर कुछ काम ही कर रहा होगा कोई ऐसे मतलब फालतू में, तो यार इंस्टाग्राम ये सब जो है यूट्यूब वगैरह छोड़ेगा नहीं। इसलिए तो यार अब अजम्पशन ये लगाई जा रही है कि मैम मतलब जो भी डब कर रही थी वो डबिंग हो चुकी है पूरी। अब यार अब बाकी काम है डिज्नी की वर्किंग टीम पे कि वो आगे क्या करती है, एडिटिंग वगैरह जो भी यार डोरेमोन के एपिसोड या मूवीज़ में करना होता है वो उसके ऊपर है। तो मतलब यार डबिंग फेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि यार इससे पहले आपको याद होगा जब किसी फैन ने पूछा था तो उन्होंने बताया था कि अभी हम कर रहे हैं डब, ये नहीं बताया था कि डबिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो इसलिए यार अब यहाँ से हिंट यही मिल रहा है, और मेरे ओपिनियन में यही है कि अब डबिंग कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुकी है एपिसोड या मूवी के, यार मतलब एपिसोड की तो होनी ही चाहिए और साथ ही साथ मूवीज़ हो तो क्या ही बात है। तो यार ये थोड़ा सा ओपिनियन है मेरे टाइप का, लेकिन आपके में क्या लग रहा है, मतलब आपको क्या लग रहा है इतने दिन से मैम ऑफलाइन थी वो क्या कर रही होंगी? और उन्होंने पहले रिप्लाई में ये बताया था कि अभी हम वो मतलब एपिसोड डब कर रहे हैं। तो इसलिए यार ये छोटे छोटे हिंट्स मिलके मुझे एक बड़े क्लू की तरफ ले गए थे, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ, और आपको भी डबिंग के उसके ऊपर चाहिए थी। और अभी तक तो यार जहाँ से जैसे गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट मिलता है डोरेमोन की किसी भी मूवी को डब होने के बाद, वहाँ अभी किसी भी को भी सर्टिफिकेट नहीं मिला, इसका मतलब यार अभी एडिटिंग वगैरह फेज में ही है। लेकिन यार जब भी मिलेगा आपको तो पता चल ही जाएगा। उससे पहले अपना ओपिनियन कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है इस बात पे, पूरे मैटर पे। तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं करा है तो, बस यार इतना ही कहना था। तो यार आज की वीडियो तो यहीं तक की थी, आज की वीडियो को एंड करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, सी यू सून गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।